लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। I'm Ashish. Ashish Khanna. Son of late Shri R.L. Khanna and late Shrimati Jyoti Khanna. And of course, younger brother to Devika Khanna. Oh, sorry. Now Devika Chauhan. Hi, Didi. Dosto, aapne bahut sari love stories suni hongi, padhi hongi, dekhi bhi hongi. Balki aapki khud ki koi na koi love story zarur hogi, jaise sabki hoti hai. Hai na? Exactly वैसे ही एक juicy, spicy, interesting love story मेरी भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी love story में suddenly एक twist आ गया और वो twist ये है कि आज मैं सबके सामने अपने पूरी होश और हवास में on the record मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि अपनी girlfriend से बेहद प्यार करने के बाद शादी से पहले अपनी सगाई तोड़ने जा रहा हूं। शादी से पहले शादी से पहले Everybody, now that you're here, why don't you lie back, relax, take it easy in the chair, cause we gonna tell ya, a juicy little story is nothing like anything you've ever seen before, yeah, yeah, whatever happens now you want it doesn't happen every day, it's a crazy little story about Shadi Se Pehle. Shadi Se Pehle, Shadi Se Pehle, Shadi Se Pehle. अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी love story की शुरुआत में ही ऐसा climax क्यों, बताता हूँ. 5 साल पहले की बात है, मेरी लव स्टोरी का हीरो मैं और हीरोइन क्या बताऊं, फूल, खुशबू, बादल, बरखा, वैसे हमारी पहली मुलाकात बहुत ठंडी थी. One bislery, please. Sorry, खत्म हो गई. Do you want some? झूठी है. ठंडी है. No thanks. कमाल है. मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दे रहा हूँ और आप मुझे कोल्ड शोल्डर दे रही है. ह्यूमर अच्छी है, थोड़ा सेंस डालोगे तो सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है. कोल्ड ड्रिंक तो होगा ना? जी अभी लाया. वैसे आपके डैडी आतंकवादी है? He is a terrorist. क्यों? Because you're a bomb. I'm Rani. Hi. आशीष. भल्ला. खन्ना. Oh, right. तो धीरे धीरे रानी फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बन गई. वैसे कॉलेज में एक और भी कैरेक्टर था, रोहित. प्यारा, दुलारा, कुत्ता, कमीना, मेरा बेस्ट फ्रेंड. रोहित की सारी बातें मुझे अच्छी लगती थी. सिर्फ एक बात अच्छी नहीं लगती थी कि जो लड़की मुझे अच्छी लगती थी वही लड़की उसको भी अच्छी लगती थी. तुम मेरे लिए प्यार में क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ. मैं तुम्हारे लिए बाजार से सब्जी, राशन, लॉन्ड्री सब कुछ ला सकता हूँ. मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सात समुद्र पार ले जाऊंगा. अरे मैं तुम्हें मुंबई की तेज बारिश में घुटने भर पानी में पार करवाऊंगा. मैं तुम्हें फेरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी इंपोर्टेड गाड़ियों में सैर कराऊंगा. मैं तुम्हें ट्रेन, बस, रिक्शा में बिठाकर बांद्रा से बाइकला तक की सैर करवाऊंगा. मैं तुम्हें अमेरिका का ग्रीन कार्ड ला के दूंगा. अरे मैं तुम्हें मुंबई का राशन कार्ड बनवा कर दूंगा. रानी,
मैं तुम्हें जिंदगी भर बहुत प्यार करूंगा। करूंगा, करेगा। अरे मैं तो ऑलरेडी प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। ओ आशीष, वेल डन आशीष, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। ये डायरेक्टर, ये आशीष वाला रोल मुझे चाहिए यार। कौन समझाता कि भैया मेरी लव स्टोरी का हीरो मैं हूँ, तो लड़की मुझे ही मिलेगी ना। चलो अल्टीमेटली लड़की तो मिल गई, दोस्तों ने मुबारकबाद भी दी, लेकिन मेरे थैंक यू नो मेंशन कहते ही मेरी लाइफ में टेंशन शुरू हुई। यू नो, आदम और ईव बड़ा सुखी कपल था, जानते हो क्यों? क्योंकि आदम का ससुर नहीं था, लेकिन मेरा था। ससुरा ससुर नहीं, मुसीबतों का पहाड़ था, पहाड़। ओ, तो तुम हां आशीष, रानी से प्यार करते हो, लेकिन प्यार का मतलब ही समझते हो? देखिए पहाड़ जी, मेरा मतलब डैडी जी, हमारा प्यार रोमियो जूलियट लैला मजनू जैसा मामूली प्यार नहीं है कि बस प्यार किया और एंड में जाके लूजर की तरह मर गए। हमें हैपनिंग और कामयाब प्रेमी बनना है। जानते हो, जितनी तुम्हारी आमदनी उतने पैसों के हम कुत्ते के बिस्किट खरीदते हैं। पर आप नॉर्मल क्यों नहीं ट्राई करते हो, क्रैक जैक, ग्लूकोज? शट अप, शादी करने आए हो, मेरी बेटी को पालोगे कैसे, इश्क की हवा से? तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है? मेरे पास माँ भी नहीं है, एक बहन है पर वो भी अमेरिका में। पहले जाके 25-50 लाख रुपए कमाओ, बंगला लो, गाड़ी लो, फिर शादी की बात करने आना। जय माता दी। What the hell यार, तू फिकर मत कर, मैं हूँ ना। तू बोले तो चुपचाप रानी के हाथों 10-20 लाख रुपए भिजवा दूँ। नहीं ताऊ जी, प्यार करने का पंगा मैंने लिया है तो पैसे भी मैं ही कमाऊंगा। What the hell man, bloody what the hell यार, come on। मजनू और रोमियो को अगर नौकरी ढूंढनी पड़ती ना, तो पता चलता कि प्यार करना बड़ा आसान है, नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल। क्या बताओ, कहां कहां नौकरी नहीं ढूंढी, क्या क्या पापड़ नहीं बेले। मैं पापड़ फैक्ट्री में मैनेजर बन गया। इज्जत पापड़ कंपनी में अपनी इज्जत गिरवी रखकर मैं दिन के 5,000 पापड़ बनवाता था। मैंने ऊंची से ऊंची पोस्ट पर काम किया। आई लव यू रानी, आई लव यू रानी, आई लव यू। अपने ससुर की शर्तें पूरी करने के चक्कर में मैं इतनी टेंशन में आ गया कि धीरे धीरे मैं ड्रग्स लेने लगा। ड्रग्स यानी वो गांजा, चरस, कोकेन नहीं, तरह तरह की दवाइयां लेने लगा। पेट में दर्द हो तो सर की दवाई, सर में दर्द हो तो पैर की दवाई, आंख में दर्द हो तो नाक की दवाई, नाक में दर्द हो तो कान की दवाई। डॉक्टरों की भाषा में मैं बीमारी का दीवाना, वहमी, एस्टैब्लिश्ड हाइपोकॉन्ड्रियाक बन गया। सुनिए कदरबान, मेहरबान, साहिबान, ये 303 ताकत वाली गोली ले लो सिर्फ 50 रुपए में। अरे 50 रुपए में बैल की पूंछ नहीं आती, शेर की मूंछ नहीं आती, लेकिन ये गोली जरूर आती है। इसे खा के बन जाओ पहलवान और रातों रात बन जाओ सलमान। मुझे बनना है सलमान। भाई साहब मुझे 2 बोतल दीजिए, मुझे बनना है सलमान। कहीं भी किसी को भी कुछ भी बेच सकने की इस टैलेंट को एक एड एजेंसी के बड़े आदमी ने चलते चलते देख लिया। अमेजिंग गाय, कितना स्मार्टली झूठ बोलता है, इसे आज ही काम पे रख लो। और इस तरह मुझे एड एजेंसी में काम मिल गया। वहां मेरी मुलाकात शायर आजम कानपुरी से हुई। सुन, मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा। मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉन वीटा। कैसा लगा? बहुत घटिया। द्रौपदी की साड़ी खींचना दुशासन को पड़ा भारी। द्रौपदी की साड़ी खींचना दुशासन को पड़ा भारी, साड़ी में साड़ी, पराग साड़ी। वाह, क्या बात, वाह, वेल डन, माइंड ब्लोइंग, यू आर ए जीनियस। हे, आज से तुम हमारी कंपनी के नए क्रिएटिव डायरेक्टर हो। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एड एजेंसी में काम करते करते मेरे पास एक घर आ गया, गाड़ी आ गई, 15-20 लाख जमा भी हो गए। अब मैं रानी के बाप को हक से कह सकता था कि डैडी जी, अब तो 5 साल हो गए, आजकल 5 साल सरकार भी नहीं टिकती, लेकिन मेरा प्यार टिक गया। अब तो रानी का हाथ मुझे दे दो। Oh, what the hell यार, तू हाथ नहीं पैर नहीं, पूरी की पूरी रानी मांग ले। I want to respect you यार। भाई साहब, और तू बाप है के सांप है? तूने जो काम मुंडे ने कर दिखाया, अब क्या इस बच्चे की जान लेगा? चल ओके बोल। ओके 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 ओके, ये शादी मुझे मंजूर है। ओके, और गले लगते ही हमने हिंदी फिल्मों की तरह गाना गाया। क्यों मेरे दिल में ये बात आज आई है, ओ मेरे यारा तू दीवाना हर जाई है। हाँ
कभी मिलो तो हम बताएं तुम्हें ऐसा नम कितनी है मोहब्बत इस दिल में तेरे लिए कभी मिलो तो हम बताएं तुम्हें ऐसा नम कितनी है मोहब्बत इस दिल में तेरे लिए दिल में दिल में तेरे लिए कभी मिलो तो हम बताएं तुम्हें ऐ सनम कितनी है मोहब्बत इस दिल में तेरे लिए प्यार का ड्यूएट गाते गाते जब हीरो हीरोइन ऐसे लॉन्ग शॉट में चलने लगे तो समझ लीजिए लव स्टोरी खत्म दी एंड और जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू सगाई ओ रानी मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद व्हाट द हेल यार थोड़ी बहुत मुबारकबाद हमको भी दे रहे हम भी बहुत खुश हो रहे हैं भाई पुत्र नहीं नहीं जी जी गोविंदा स्टाइल गोविंदा स्टाइल अरे मुझे गोविंदा स्टाइल नहीं आता नहीं नहीं हमें पता है आप विराट ट्रेन में जाते हैं जा रहा था मैं तो भेल पूरी खा रहा था रास्ते से जा रहा था वो तो मुझे बिल्कुल नहीं आता नहीं 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 दही चक्कर 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 सगाई के चक्कर में मुझे वाकई चक्कर आ गए तो मैंने रानी से छुपा के अपने सारे मेडिकल चेकअप करवा डाले हे दूल्हे राजा हाउ आर यू फीलिंग आई एम फीलिंग गुड दीदी Not feeling very well. क्या हुआ? सर्दी है और पीठ में अभी भी दर्द है क्यों? रिंग पहनने से? नहीं नहीं एंगेजमेंट की एक्सरसाइज से सगाई नहीं सर्कस था सर्कस okay. सच कहूं रानी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी And what about you? मैं तो रोज ही लगता हूँ आई मिस्ड यू दीदी आई मिस्ड यू टू बेबी
तुम्हारी सगाई पे तो नहीं आ पाई पर शादी पे जरूर आऊंगी। I'll see you later, okay? हेलो, मैं मारिया बोल रही हूँ डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक से। हाँ मारिया, क्या बात है, बोलो। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। सब ठीक तो है ना मारिया? हाँ, सब ठीक है। आपकी आवाज को क्या हुआ? रिपोर्ट में क्या लिखा है मारिया? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, आप कल आके मिल लीजिए। सडनली काट क्यों दिया? मरिया डॉक्टर साहब है? अरे डॉक्टर पटेल को जरा फोन देना। हाँ दारा, वो मैंने जिस पेशेंट का रिपोर्ट भेजा था तूने चेक किया क्या? अरे बाप 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 बाप। अरे रे 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 रे। दारा पची फोन करो। बेसो। डॉक्टर साहब हिमालय कंपनी से कोई आया है। हिमालय से? उसको बोलो हिमालय से जम मारे, मेरे को सर पे बहुत टेंशन है अभी। डॉक्टर साहब मेरे वो तेरे को सच सच बोलूं मैं तेरे को कुछ नहीं है, सर पे बहुत टेंशन लेता है तुम। ये दवाई ट्रीटमेंट रिपोर्ट तेरे लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। पर डॉक्टर हुआ क्या, जरा रिपोर्ट तो दिखाइए। नहीं बताऊंगा, क्या करेगा? अरे भाई ये रिपोर्ट ट्रॉफी या मेडल है क्या, दीवार पे चिपका के उसका आरती करेगा क्या तुम? थिंक पॉजिटिव, लिव लाइफ। हां पर डॉक्टर मुझे कल चक्कर सा आ गया था। अरे घेल सप्पा, अगर रोज तू मेरी क्लिनिक का चक्कर मारेगा तो चक्कर ही आएगा ना। नहीं नहीं डॉक्टर, वाकई कल मेरी सगाई की पार्टी में आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। ऐसा हमेशा होता है बॉस, मर्दों के साथ ऐसा ही होता है। सगाई के दिन अंधेरा छा जाता है और शादी के दिन बत्ती ऑफ हो जाता है। मेरा बत्ती आज तक ऑन ही नहीं हुआ है। लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। सर इस बार सीरियस है, मैं बता रहा हूँ, इस बार सीरियस है। मेरा बीपी, एसजीपीटी, एमआरआई, कोई तो टेस्ट लीजिए ना। तुम बहुत भैयाद आदमी है, तेरे को कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में तेरे को वेम है। लाइफ में दो चीज का इलाज नहीं होता है, एक है वेम और दूसरा है कैंसर। अच्छा एक बात बता, कभी भी बुलबुल को गले में टॉन्सिल होता है? बंदरों को भी डिप्रेशन होता है? सांप को कभी स्लिप डिस्क होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन लोग लाइफ जैसे जीने का जीता है, बिंदास कुदरत के साथ झगड़ा नहीं करते उन लोग। तेरे जैसा नहीं, बात बाप दवा गोलियां खा लिया, ब्लडी हाइपोकंड्रिया फूल। मतलब मेरे लिए कोई दवाई नहीं? अरे बाबा तू जानी ढंसा खा, रात को डोप पैक पी, टाटिया लंबा कर, चादर ओढ़ने सोई जानी, सुबह अपने पोरी को लेके तुम वॉक में ले जाओ नी, टोंग 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 टोंग। थिंक पॉजिटिव, लिव लाइफ दिखरा। ठीक है डॉक्टर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरी तसली के लिए कुछ तो दवाई दीजिए ना, कोई नई कैप्सूल वगैरह। हाथ ना लगा टो, देगा ब्लडी नॉनसेंस मैड फेलो। तेरे दवाई के चक्कर में मैं दवा खा जाता हूँ, मैं दवा खाऊं? डॉक्टर आप इस चक्कर में मत फंसिए ना प्लीज, मैं जाता हूँ। मेरा चश्मा। डॉक्टर पटेल, मैंने उसको थिंक पॉजिटिव लिव लाइफ बोल के उससे असली बात छुपा दी। मैं जवान आदमी को कैसे बोल सकता हूँ कि उसको कैंसर है? एक साल में खेल खत्म, ये बात तो कोई भी सुन के लामलेट हो जाएगा ना। मुझे तभी डाउट हुआ था जब मैंने उसका टेस्ट लिया था, इसलिए मैंने आपके पास भेजा फॉर सेकेंड ओपिनियन, बिकॉज यू आर अ कैंसर स्पेशलिस्ट ना। डॉक्टर पटेल अगर वो फोन करे तो आप प्लीज उसको बताना नहीं, बिकॉज इज अ वेरी स्वीट बॉय, मैं अपने स्टाइल से उसको बॉम्ब फोड़ेगा। तुम हिम्मत मत हारो मारिया, उसकी मर्जी के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। जुकाम मेरे को है, इमोशनल ये क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर पटेल ने भी कंफर्म कर दिया सर? यस कैंसर सेकंड स्टेज। मतलब सिर्फ एक साल बचा है उसके पास? बेचारा रॉबिन, व्हाट अ ब्राइट यंग मैन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसे देखे कौन यकीन करेगा ये मरने वाला। मुझे तभी डाउट हुआ था जब मैंने उसका टेस्ट लिया था, इसलिए मैंने आपके पास भेजा फॉर सेकंड ओपिनियन, बिकॉज यू आर अ कैंसर स्पेशलिस्ट ना।
अभी अभी पता चला है कि हेल्थ मिनिस्टर श्री सी के लालवानी जी का देहांत हो गया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार श्री लालवानी जी कैंसर से पीड़ित थे। लालवानी जी अपने पीछे दो लड़की और एक लड़के को छोड़ के गए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें अच्छी क्यों लगती हूँ? अच्छी कहाँ लगती हो, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। How mean I'm going? Okay. तुम मुझे अच्छी इसलिए लगती हो क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम मुझे ऐसी फीलिंग्स देती हो कि मैं दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। तुम हो ना। और मैं जैसा भी हूँ वैसा मुझे अपना कर तुम मुझे चाहती हो। हाँ, क्योंकि हम दोनों का 7 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट है। पर हो सकता है ये 7वां और आखिरी राउंड हो, तुम भी फ्री मैं भी फ्री। आशु ऐसे कभी मत कहना प्लीज। देखा जिंदगी ने मेरे साथ कितना फिल्मी मजाक किया। मैं रानी की मांग सितारों से भरना चाहता था पर अब मैं खुद ही सितारों के पास जा रहा हूं। अगर मुझे पता होता कि मेरी लाइफलाइन बीच से ही कटने वाली है तो मैं रानी को, अरे रानी क्या, किसी भी लड़की को प्यार का शादी का ख्वाब नहीं दिखाता। समझ में नहीं आता कैसे खुद अपने मुंह से कहूंगा कि रानी मुझे भूल जाओ, भूल जाओ मुझे। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें छोड़ दूं? मगर क्यों? क्योंकि मैं मरने वाला हूं रानी, मुझे कैंसर है, कैंसर। क्या कैंसर? तुम्हें कैंसर है? और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि I'll never leave you, Ashish. I love you. रानी भी प्रैक्टिकल, पागल मत बनो। पागल तुम बन रहे हो आशीष। शादी के बाद तुम्हें कैंसर हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ देती? बोलो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती आशीष। I love you, आशीष। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं अपना प्यार, अपनी सगाई तोड़ने की बात क्यों कर रहा हूं। मेरी लव स्टोरी को बेरहम सेंसर की तरह कैंसर काटने वाला है। मैं जा रहा हूं, बस 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 कर आशीष, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे मुझे छोड़कर मत जा आशीष, मत जा। संभालो अपने आप को कानपुरी। अरे कैसे संभालू, मेरे दोस्त को पहला कैंसर हुआ है, मेरी समझ में नहीं आता ऐसे मौके पर मैं क्या बोलूं। देख तू अंदर कुछ मत रखो, जो भी है सब बाहर निकाल। ये धरती रो रही है, ये आसमान रो रहा है। कानपुरी। नहीं, ये धरती रो रही है, ये आसमान रो रहा है। आगे। नॉनसेंस, ये सब क्या हो रहा है? चौके, चौके, चौके। मेरे मरने तक तू शायर जरूर बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, मतलब आई मीन सेकेंड ओपिनियन। देख हम हिम्मत नहीं हारेंगे, फैसला होने से पहले हम भला क्यों हार माने। जग अभी जीता नहीं है, तू अभी मरा नहीं है, विदेश चलते हैं, मैं चलूंगा तेरे साथ है। अमेरिका में न्यूयॉर्क, डिज्नीलैंड, लॉस वेगस, कैसीनो, ये सब जगह नहीं जाएंगे, अगर टाइम मिला तो जाएंगे, वरना तो हम इलाज करवाने जाएंगे ना। ये सब पैसे की बर्बादी है, देश से दूर जाऊंगा लेकिन मौत से कहां दूर जाऊंगा। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, यह सब सुनकर मेरा दिमाग जाम हो गया है, मुझे जाम लगाने का मन कर रहा है। मैं यहां मर रहा हूं और तू मजे से ब्रेड पर जैम लगाकर खाएगा? नहीं 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 नहीं, जाम उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा वो फिर तू मेरे लिए भी एक पैक बनाना। अच्छा ओके ओके, विस्की विद हाफ पानी हाफ वाटर। इट्स ओके, समझ सकता हूं इस पोजीशन पे मेरे भाई, मैं अभी आया, बहुत जिम्मेदारी आ गई है अचानक।
ए आशीष कैसे हो गया रे, तूने क्या बिगाड़ा था किसी का? तेरी मन करता है कि मैं भी 4-5 पैग मारकर बालकनी पर जाकर चीखूं चिल्लाऊं कि ऊपर वाले तू ये सब क्यों कर रहा है मेरे साथ? अरे ऊपर वाले मिस्टर देसाई क्या करेंगे, वो तो रिटायर्ड है। अबे ऊपर वाले मतलब भगवान, गॉड। तू भगवान का नाम मत ले, भरोसा उठ गया उस पे से मेरा। तेरे मरने के बाद मैं कैसे जीऊंगा? कौन मुझे चाइनीज खाना खिलाएगा? कौन हर फ्राइडे नई पिक्चर दिखाएगा? कौन उधार देगा? मेरा क्या होगा? तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ना रो, तेरी ये बेशुमार दौलत, ये आलीशान फ्लैट, ये जायदाद, ये सब मैं कैसे मैनेज करूंगा? तूने कैसे सोच लिया कि मेरे मरने के बाद ये सब तेरा है? मेरी बहन है, रानी है। ओह माय गॉड, क्या बीतेगी उस पर। रानी को तूने बताया? नहीं यार, मैं जानता हूं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ, तू सही कह रहा है। पिछले साल उसका रो रो के बुरा हाल हो गया था जब उसने सुना था तेरा कुत्ता मर गया है। कानपुरी, मुझे पता है कि वो मुझे बहुत चाहती है। वो जीते जी मुझे छोड़ नहीं पाएगी और मरने के बाद भूल नहीं पाएगी। मुझे डर है कि कहीं मेरे लिए वो अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। अरे जा जा इडियट। अरे तूने सोच भी कैसे लिया कि रानी जैसी लड़की, तू जैसे आवारा बदमाश शराबी कबाबी, क्या बकरे हो? अरे तू जैसे बच्चलन सेक्स के भूखे भेड़िए के लिए रानी अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी बे? अबे कानपुरी के बच्चे, तुझे मैं ऐसा आदमी लगता हूँ? लगते नहीं हो। लगो, हो नहीं, बनो। इतने बुरे आदमी बनो कि जिस गली से गुजरो सारी शरीफ लड़कियां अंदर चली जाए और चालू लड़कियां बाहर आ जाएं, और ऐसे रंगीन कपड़े पहनकर जाना कि दुनिया के सारे डिजाइनर्स चकरा जाएं, ताकि रानी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, तुमसे नफरत करने लगे, तब तुम्हें भुला पाएगी वो। You're right. मैं खुद ही अपनी मोहब्बत का गला घोट दूंगा। मेरा गला तो छोड़। ग्रेट आइडिया कानपुरी। ले पकड़ खंभा, दो घूंट में तुझे दिखने लगेगी मेनका और रंभा। यार ये मेरे से नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, टू मच हो जाएगा। अरे यार तुझे एक्टिंग ही तो करनी है, चल मैं तेरे लिए गुड लक मंत्र पढ़ता हूँ। ओम शराब बंदरा स्क्वाच बिस्की स्वाहा, लड़की का दिल टूट जाए स्वाहा, जरा पलट जा स्वाहा, तेरी सगाई टूट जाए स्वाहा। जय माता दी। पुत्र तू गिर गया, आजा आजा। गिरा वो आदमी गिरेगा नहीं तो खड़ा हो जाएगा। जय माता दी। सासू बड़ी अच्छी लग रही है। जय माता दी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सासू जय माता दी। पास। जय माता दी। और पास। जय माता दी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगाकर आया है? मस्ती भरा परफ्यूम। जय माता दी, जय माता दी, ले चरणामृत पी ले। पीकर तो आया हूँ, और कितना पीऊंगा मदर इन लॉ। जय माता दी। पुत्र तू पीकर आया है? हाँ पीकर आया हूँ। क्या करेगी तू, सगाई तोड़ देगी ना? जाग तोड़ दो। ना ना पुत्र, जय माता दी, वो सब छोड़, चल खाना खा ले, आजा। तेरे हाथ का खाना? ना बकवास खाना बनाती हो तुम। जय माता दी। और वो तेल, घर के नीचे तेल का कुआं है या फिर किसी अरब के साथ अफेयर चल रहा है? जय माता दी, जय माता दी। ओए वरना यार, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मेरे को 4 पैग से पहले डिस्टर्ब मत किया करो, क्यों शोर मचा रखा? जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। ओए अजीज, ओए बड़ा कलरफुल लग रहा है यार तू। डी यू टू टू और टू नहीं, 4, दिस इज माय 3rd। तेरे हाथ में फ्लास्क, फ्लास्क में क्या है? ओए शराब। और तूने सगाई से पहले बताया नहीं कि तू शराब पीता? आई रिस्पेक्ट टू मोर यार, चल चल कर थोड़ी सी शराब और पीते हैं। जय माता दी। चलो जी। जय माता दी, जय माता दी। शराब पीना हमारे खानदान की परंपरा है। ये देख, फ्रेंच वाइन, रशियन वोडका, ब्रिटिश बियर और दो और इंडियन ठर्रा भी है अपने पास। यू नेम इट एंड वी हैव इट। और हम तो बचपन में ग्राइप बॉटल के साथ एक एक की दारू पीकर जवान हुए हैं।
तुझे पता ही नहीं कुछ तू कितने बड़े खानदान से जुड़ गया है। बिंदास भी पीते रहो। यार तू मुझे ये शमशान भूमि में क्यों लाए हो? अरे बाबा तू अपनी अंतिम क्रिया की तैयारी खुद कर। क्या? हाँ, और ऐसा करने वाला तू दुनिया का पहला आदमी होगा। हेलो 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 सर, आर यू मिस्टर दलाल? नहीं सर, डी लाल। ओके, हम लोग अर्थी समाधि बारवा तेरवा चौथा सब करवाते हैं। ये मेरा कार्ड है, वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस सर। मैं शायर कानपुरी जी। हमारी फोन पे बात हुई थी ना जी, कि किसी मरने वाले की याद में या एक समाधि चाहिए, क्यूट सी, छोटी सी। और छोटी सी क्यों सर, बनाई रहे हैं तो बड़ी सी बनवाइए। इंसान रोज रोज थोड़ी इधर आता है। वैसे खर्चा क्या आएगा समाधि का? सर यहाँ पर 20,000 स्क्वायर फीट का भाव चलता है। अगर आप 50 स्क्वायर फीट की बनवाओगे तो कम से कम 10 लाख के करीब खर्चा आएगा। 10 लाख? हाँ भैया, समाधि चाहिए, वन बेडरूम हॉल का घर नहीं। सर एरिया भी तो देखिए, स्टेशन से नजदीक है, मेन रोड से नजदीक है। कल को ये शमशान तोड़ के यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है, मल्टीप्लेक्स बन सकता है। उस वक्त जमीन का क्या भाव होगा आपको अंदाजा नहीं है सर। इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सर, मरने वाले की लाइफ बन जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमें बजट का भी देखना होगा ना। जी जी वो तो है। एक काम करो, हाँ 25 स्क्वायर फुट का बना रहा। नहीं नहीं सर, 25 स्क्वायर फुट में मरने वाले को मजा नहीं आएगा, बहुत घुटन होगी। ये भी तो बात है जी। आई नीड माई स्पेस, मुझे खुली जगह चाहिए। आपको अपने लिए चाहिए? और नहीं तो क्या, इसके लिए थोड़ी ले रहा हूँ। अपने लिए बहुत टाइम है अभी। हाँ, समाधि मैं खुद डिजाइन करके जाऊंगा। अच्छा। मरने के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। लीकेज रेनोवेशन, जैसी आपकी मर्जी सर। और सुनो, समाधि पे जो लिखना होता है ना, वो मैं सोच कर बताऊंगा। जैसे आप कहेंगे सर। चलो समाधि का तो हो गया। हाँ एक बात बताओ, एक बात बताओ। हाँ। मुर्दा जलाने के लिए ये लकड़ी तो अच्छी है ना? ऑफ कोर्स सर, आपको कैसी लकड़ी चाहिए, सादी या चंदन की लकड़ी? ऑफ कोर्स चंदन यार। हाँ। आदमी कमाता है किस लिए? क्या रेट है चंदन का? 500 रुपीज पर किलो। 500 रुपीज किलो? मार जालोगे क्या? सर मरोगे तभी तो यहाँ आओगे। बात तो है। वैसे भी वीरप्पन साहब के जाने के बाद आजकल असली चंदन की लकड़ी मिलती कहाँ है। लेकिन चंदन की लकड़ी तो असली है ना? हाँ सर, आज तक मरने वालों में से किसी की कंप्लेन नहीं आई। और घी मिलेगा ना? प्योर घी सर, कल उसी में से घर में लड्डू बनाए हैं, बोलो तो चखाओ। आप बिंदास होकर मर जाइए सर, हम आपकी अंतिम यात्रा को एकदम सुखद बना देंगे। अभी बताओ ये लकड़ी कितनी यूज होगी मुझ पर? इट डिपेंड्स ऑन योर वेट यू सी। आपका वजन क्या है? पता नहीं, बहुत दिनों से करवाया नहीं। कोई बात नहीं सर, हमारे पास काटा है ना, बैठ जाइए इसके ऊपर। दैट्स वेरी गुड आइडिया, अभी फुल एंड फाइनल कर लेते हैं। ए लड़के चल लकड़ी डाल, चढ़ जाओ। मर गया। मर कहाँ गए, अभी तो तैयारी चल। ताऊ जी, खड़ा लकड़ी। ताऊ जी आ गए, उतार दे मुझे। कहाँ? ताऊ जी कहाँ? तू ये तराजू पे क्या कर रहा है? ताऊजी वजन क्या कर रहा है? विजन, अपना विजन बना रहा था। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं ना ताऊजी, तो जैसे डेड लोग यहाँ आते ना, वैसे एड लोग भी आते हैं। एक्चुअली अगले हफ्ते मैं जीवन बीमा का एड कर रहा हूँ, तो ये शमशान का लोकेशन देखने आया। ओके ओके, रानी के दूर के चाचा का स्वर्गवास हो गया है। अरे कल शाम को उसका चौथा है, आ जाना उसके घर पर। जरूर ताऊजी। वजन करा रहा है। जीवन के दो पहलू हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा सुंदर हो तो शरीर भी सुंदर होता है, और सुंदर आत्मा के लिए एक सुंदर मन आवश्यक है, और मन सुंदर होना चाहिए। तन का क्या है, ये तो नश्वर है, आज है कल नहीं। पर आत्मा कैसी भी हो, शरीर तो शरीर है। कोई कोई शरीर बहुत ही शरीर होता है। शरीर जितना पास आता है, आत्मा में उतना ही क्लास आता है। मगर शरीर को ये रास नहीं आता है, और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर आत्मा को लात मारकर कहता है, वाह अति सुंदर तन, लेकिन कंट्रोल योर मन। जय माता दी, जय माता दी। ताऊजी। अंकल, सुनकर बड़ा दुख हुआ। थैंक यू। वैसे उम्र क्या थी?
103। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। मतलब मतलब कम से कम सेंचुरी मार के तो आउट हुए ना। ओह दैट्स सो स्वीट। वैसे बीमारी क्या थी उनकी? कैंसर। आशीष क्या लगा रखा है? कौन है ये लड़की? अरे तू मिली नहीं? नहीं। अरे रोजी मेरी नई सेक्रेटरी। कम अच्छा शरीर है सेक्रेटरी। ये तो मेरी सेक्रेटरी नहीं हो सकती है क्या? आई एम क्रिएटिव डायरेक्टर आफ्टर ऑल। टॉप पे हूँ। टॉप पे पहुँच के क्या क्या टॉपलेस फैसिलिटीज मिलती है तुम्हें क्या पता? अद्भुत। ओए आशीष ये सब क्या लगा रखा है तूने यार? ताऊजी के पैर छो और जूंदे रहे कपड़े पहनती रहे बस। इसे कहीं देखा है? आपने जरूर देखा होगा। पहले चांदनी बार में काम करते थे। अरे तू चांदनी बार गया था? मतलब ताऊजी प्लीज। मतलब भाई साहब तुम्हारी सेक्रेटरी एक बार गर्ल भी है। बार गर्ल है तो क्या इंसान नहीं है क्या? अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। वी मस्ट गो फ्रॉम हियर। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठहरो। बार में काम करती है, चांदनी बार में काम करती है, सेक्रेटरी बना लिया है। ओए आई एम प्राउड ऑफ यू यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने इस बार गर्ल को नौकरी देकर पूरी नारी जाति का सम्मान किया है। सरकार ने इसकी रोजी रोटी छीन ली थी और तूने रोजी को रोटी दे दी पुत्र। ओए जूंदा रहे जूंदा रहे। कंपैशन और करेज का एक कंटेंपरेरी नमूना है तू पुत्र। ओ आई एम प्राउड ऑफ यू। इन पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। मैं अपनी लव स्टोरी का विलेन बनने चला था पर रानी की ये फैमिली मुझे आदर्श हीरो बनाकर छोड़ेंगे। हाय रानी। हाय रोहित। क्या हुआ? यू लुक अपसेट। पता है आजकल आशीष मेरे साथ बहुत फनीली बिहेव कर रहा है। आजकल वो तो हमेशा से ऐसे बिहेव करता था। I mean, तुमने मेरे होते हुए उसे चूज किया। How unromantic। रोहित चोपड़ा मुझे पता है तुम रोमांटिक फिल्मों के बहुत बड़े फैन हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में लव ट्रायंगल खींच लाओ। पता है उस दिन पहली बार आशीष ने शराब पी, वो भी मेरे घर पे। तुम्हारे घर पे? हाँ। लेकिन मेरे सामने तो कई बार पी चुका है। हाँ? एक बार तो जूह के बीच पे गिरा, नेक्स्ट डे गोवा में मिला था। क्या इतना पिया? और तुम उसे पिया बनाने चली हो? I'm so upset। और तो और चंदू के चाचा के चौथे पर चांदनी बार की रोजी को भी लेकर आया था। वाह चंदू के चाचा के चौथे पर चांदनी बार की रोजी को लेकर। हाउ म्यूजिकल। आई मीन हाउ म्यूजिकल। शट अप रोहित। सोचो यार लाइफ में आगे चलकर गड़बड़ हुई तो। गड़बड़ ना हो इसलिए पीछे चलते। मतलब? मतलब आशीष के पीछे पीछे पीछा करते, छुप के देखते व्हाट्स ही अप टू। और कहां? मुझे पता है कि वो कहां होगा। कोक और रम स्ट्रो के साथ कमाल है। सुपर कूल चिल। मैंने बार में कई बार लोगों को पीते देखा है पर ऐसे स्ट्रॉ से कभी नहीं देखा। वन इन अ मिलियन। चीयर्स। बेबी यू आर अ स्मॉल बेबी। हाय आई एम सानिया। बट आई एम आशीष बिकॉज आई एम कानपुरी। हॉट वेरी हॉट। फॉरगेट मी नॉट। बाय। पता है कौन थी ये? इंटरनेशनल मॉडल सानिया। हमारी एजेंसी ने इसे भी साइन किया है। टाइम मैगजीन के कवर पे चमकी थी ये। अब तेरा भी टाइम चमकने वाला है। हलचल कर गई ना? आ, कर गई कर गई। ओह बेबी कम क्लोजर नाउ। यस माय डार्लिंग। ये Baby, 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 baby,
अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई, अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई। बूटा डाल के आई सारी दुनिया डाल के आई, बिन कुछ बोले बोल गई वो, मन में चाहत खोल गई वो, दिल विच हलचल, दिल विच हलचल कर गई, अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई, अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई। इश्क दा बूटा डाल के आई सारी दुनिया डाल के आई, इश्क दा बूटा अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई, अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई। ओ बेबी कम क्लोजर नाउ, यस माय डार्लिंग। गल कर गई, गल कर गई, अखियों से गल कर गई, गल कर गई, गल कर गई, अखियों से गल कर गई। दो चार पल झूम लूं, आजा तेरे लब चूम लूं, थोड़ी खुशी थोड़ा नशा, जीने का तू ले ले मजा। उसने हंस के मुझको देखा, तीर नजर का मुझ पे फेंका, चल गया उसकी अदा का जादू, मुझ पे रहा न मेरा काबू। मुझको घायल, हम मुझको घायल कर गई, अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई। चार दिल कटते नहीं दिलदार बिन, मैं लुट गया मैं मर गया, दीवाना बन क्या कर गया। अखियों से गल कर गई है, अखियों से गल कर गई, अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई। इश्क दा बूटा डाल के आई सारी दुनिया डाल के आई, बिन कुछ बोले बोल गई वो, मन में चाहत खोल गई वो, दिल विच हलचल कर गई, अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई, अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई, अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई, अखियों से गल कर गई हो, अखियों से गल कर गई। क्या हुआ? कौन है ये लड़की? सानिया, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। 3 साल हमारा फेयर चला था। प्यार लफड़ा। आशीष, यू आर बिहेविंग रियली चीप। फाइन, यू कैन लीव मी। छोड़ दो मुझे। मैंने कब कहा कि मैं राम हूँ? अरे मैं तो कॉमन हूँ, सरेआम हूँ। रोहित। या। लेट्स लीव फ्रॉम हियर। या। लेट्स लीव। या बाय। क्या कर रहा हूं मैं, कितना गिर गया हूं मैं। बार बार रानी को सता रहा हूं, हर बार मुझे माफ कर देती। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पर। तोड़ दूंगा मैं ये सब कुछ, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल कर। क्या कंट्रोल करूंगा मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। हा? क्या है भाई, कौन हो तुम लोग, क्या घूर रहे हो भाई? कभी फ्रस्ट्रेटेड आदमी नहीं देखा है? ये जाने दे रहे, ये अपुन के शिकार नहीं है। अब तू कौन है बे?
अबुनन्ना 24 घंटे चौकन्ना। हाँ हाँ तो गाड़ी तो मेरी है लेकिन जिंदगी तो तेरी है ना। ठोक दू क्या? ठोक दू? सॉरी, बाय बाय, टाटा, अलविदा, खुदाफिस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अबे हिल मत, क्या करने दे अपुन को। लुका एक, लुका दो, लुका तीन, लुका चार। भाई साहब, आपने मेरी इतनी सी गलती के लिए इतने सारे लोगों को मार डाला? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगाने शूट आउट में जान मत गवाना अन्ना। 24 घंटे चौकन्ना गो। अरे कमाल का डेंजर आदमी है, अपना शेर सुना चला गया, मेरा तो सुना ही नहीं। अरे मेरा भी शेर सुनते जा, गोली के पुजारे। आदाब आदाब, तो अर्ज किया है, इसे आधा दाबने को बोला पूरा दब गया। रानी तुम यहाँ डांस कर रही हो और आशीष वहाँ रोमांस कर रहा है उस लड़की के साथ, और लड़की भी देखो क्या चीज थी, क्या फिगर था, मेरा मतलब है क्या जिगर था। इसीलिए इसीलिए तो उसके साथ चिपक चिपक के डांस कर रहा था। अब रानी मैं जानता हूँ कि कभी कभी डांस करते वक्त हाथ इधर उधर चला जाता है, मगर मस्ती मजाक में हाथ आगे बढ़ गया तो बात हाथ से निकल सकती है रानी। अब सब लोग मेरी तरह शरीफ तो नहीं हो सकते ना कि लड़कियां मर रही है, बेडरूम में लेके खींच रही है, पर मैं हिमालय की तरह अटल अचल स्टेडी। और आशीष की स्टेडी गर्लफ्रेंड होते हुए भी कितना अनस्टेडी है वो। I'm so upset। वैसे रानी मैं तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन आई जस्ट कांट स्टैंड दिस वन नाइट स्टैंड्स, डू यू अंडरस्टैंड? रानी कहां जा रही हो? रोहित तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। गो रानी गो। एक्सक्यूज मी सर, सर वो रूपा अंडरवेयर के एड के लिए कुछ नया आइडिया नहीं मिला? अरे तो पुराना ही भेज दो, बच्चे बूढ़े जवान सब रूपा का अंडरवेयर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी, केले के पत्ते? कुछ नया सोच रहे तो गेट लॉस्ट। हाय रानी। हाय। गुड मॉर्निंग रानी। हाय रानी। चल मैं तुझे अपना अंडरवियर, आशीष मतलब मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Excuse me for 5 minutes. तुम्हें पता है मैं कल पूरी रात सोई नहीं, हम दोनों के बारे में सोचती रही। आशीष तुम्हें नहीं लग रहा है तुम बदल रहे हो? हाँ बदल गया हूँ। So? तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ तुम बदल रहे हो, पूरा जमाना बदल रहा है? अरे वो जमाना गया जब लड़कियां रो रो कर आंसू की नदियां बहा देती थी। अगर तुमने मुझे वैसी कमजोर लड़की समझा है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कूल इट रानी, पसीना पोंछो यार। वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम मेरे बॉयफ्रेंड या मंगेतर नहीं रह सकते। इनफ। यानी हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो खत्म? हाँ, अब ये रिश्ता खत्म। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं रह सकते क्योंकि अब तुम मेरे पति बनोगे। क्या? हाँ आशीष, कितनी ऑनेस्टी से तुमने मुझे अपना पास्ट बता दिया। लड़कियाँ अपनी बीवियों से जिंदगी भर ये छुपा कर रखते हैं। थैंक गॉड तुम नो एंट्री टाइप लड़के नहीं हो, क्योंकि ऑनेस्टी शादी की बुनियाद होती है। कितने अच्छे लड़के हो तुम, तो पक्के हस्बैंड मटेरियल हो। लव यू। हमारी बॉडी में 70% पानी है। पानी हमारे जिस्म को तरोताजा रखता है। So how wet do you want to get? Velvet, wet body lotion, velvet. Hi. एड फिल्म तो अच्छी लिख लेते हो। थैंक यू। पर नाचते बहुत बुरा हो।
एक रॉ सेक्स अपील है। रॉ? पर मैं तो पूरा पक्के गिरने वाला हूँ। What? मेरा मतलब हम एक ही हफ्ते में दो बार मिल रहे हैं। दुनिया वाकई बहुत छोटी जगह है। और जिंदगी भी। कभी छोटी सी जिंदगी में लंबी सी रात गुजारनी हो। Here's my card. जितना देर से मिले उतना अच्छा। Bye. उसने कहा कि करना मुझे फोन, हमने कहा हम आपके हैं कौन। यार आज अपना कार्ड भी दे गई। वो कार्ड देकर नहीं गई है, वो मास्टर कार्ड देकर गई है। मतलब? वो रानी है तो ये राजधानी है। चढ़ जा बेटा इसकी चलती ट्रेन पर, रानी को छोड़कर बहुत दूर निकल जाओगे, बहुत दूर। हाय सानिया। हाय। पहली बार आए हो इसलिए कुछ फॉर्मल सा पहना है, वरना कुछ कंफर्टेबल सा पहनती। स्विमिंग आती है तुम्हें? नहीं। कोई बात नहीं, वो भी सिखा दूंगी। वाव, खुले बाल खुले विचार। डू यू बिलीव इन लव? नो, लस्ट। वो दैट्स नॉट गुड। When I'm good, I'm good. When I'm bad, I'm better. वो तो दिख ही रहा है। Can I sit? Please. वैसे तुम्हारी जन्म राशि क्या है? I mean, sun sign? Cancer. ये टॉपिक छोड़ देते हैं। शादी के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्यार, अफेयर, डेटिंग, घूमना फिरना सब ठीक है, लेकिन मुझे रिश्तों में बनना पसंद नहीं, और शादी तो समाज का कैंसर है। कैंसर? ये कैंसर के अलावा आप कुछ बोल नहीं सकती है क्या? लेकिन बोलना जरूरी है क्या? अब इश्क वालों की दुनिया होगी तहस नहस, जब घर घर पहुंचेगा ये MMS। आशीष, आशु, आशीष कहाँ हो तुम? आशीष, आशु, सुना कि नहीं? कॉल मी बैक, आई एम वेटिंग। बाय बाय। हे आशीष, वेयर आर यू हैंडसम? आई फॉट अ न्यू स्ट्रिंग बिकिनी, यू वांट टू चेक इट आउट? कॉल मी, आई मिस यू। बाय। Sanya, you smell so good. I love you. Ashish, तुम ऐसे कैसे आ गई?
फोन करके आना चाहिए ना। What's wrong with you, आशीष? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? Space. I need my space. कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगी तो बहुत बड़ा एहसान होगा। You need space. वो भी मुझसे। कब तक? महीने, दो महीने, साल, पांच साल, दस साल, I don't know यार। इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये कोई क्विज शो चल रहा है इधर? Excuse me, ये मेरा फोन है। हेलो, हाय सानिया, कैसी हो मेरी जान? कहाँ थी तुम? What? अरे come on यार, तुम्हें यहाँ आने के लिए पूछना पड़ेगा क्या? This is your house यार, don't be formal with me यार। Okay, bye Sania. तेरा आखिरी फैसला है? जी ताऊ जी। What happened? Who stopped the music? What's going on, Rani? क्या हो गया तुम्हें? Party क्यों spoil कर रहे हो तुम? Sorry, friends. Sorry. लेकिन सुना आपने? मैंने थोड़ी देर के लिए इनकी party spoil कर दी. इन्हें बहुत दुख हो रहा है, मगर इन्होंने खुद एक लड़की की पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी, उसकी कोई परवाह नहीं। लिसन रानी, लेट मी टेल यू कि अब हमारे बीच कोई। मिनट आशीष, इससे पहले कि तुम्हें एक सेकंड के लिए भी लगे कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, लेट मी टेल यू आशीष, ये हक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, क्योंकि ये हक सिर्फ मेरा है। अगर मैं 5 साल तक लव यू फॉरएवर कह सकती हूँ, तो 5 दिन में बाय फॉरएवर भी कह सकती हूँ। तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने दिल से और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल रही हूँ। हाँ आशीष, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं, because I hate you। ये रहा तुम्हारा स्टूपिड रिश्ता। रानी, ये प्लास्टिक का फूल लाया हूं तुम्हारे लिए, जानते हो क्यों? क्योंकि बाकी फूलों की तरह ये फूल कभी नहीं मुरझाएगा। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं मरेगा। सच, बिलीव मी।
हेलो दीदी, दीदी आशीष बोल रहा हूँ, कैसी हो? हे तू कैसा है? जिंदा हूँ दीदी। एक बात बोलूँ दीदी? हाँ बोलना। लाइफ में किसी का प्यार कम नहीं होता है, सिर्फ हमारी उम्मीदें ज्यादा होती है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अब देखो ना दीदी, वहां अमेरिका में दोपहर के 2 बज रहे होंगे और यहाँ रात के 12 बज रहे हैं। आपकी घड़ी भी सही, मेरी भी सही, हम सब सही होते हैं दीदी, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तूने यही कहने के लिए आधी रात को फोन किया? तेरी तबीयत तो ठीक है? यू ओके? आई लव यू दीदी। हे आई लव यू टू। हेलो। ए जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, ऑफ कोर्स हम न होंगे, ऑलमोस्ट हम न होंगे, एट द मोस्ट हम न होंगे। कहाँ गया था तू? बाबा तेरे मरने के बाद चौथे पे प्रार्थना सभा के लिए हॉल बुक करवाने गया था। क्या? अरे तेरे मरने के बाद ऐसी श्रद्धांजलि दूंगा, आए हाय क्या श्रद्धांजलि है, कि सुन के तेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। अच्छा? अबे मरने के बाद मैं अपनी श्रद्धांजलि खुद कैसे सुनूंगा? मुझे पता था कि तू इन लॉजिकल सवाल पूछेगा, तो एडवांस में तेरे अप्रूवल के लिए मैं ड्राफ्ट तैयार करके लाया हूँ, तो सुन। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, पीछे आवाज आ रही है? दोस्तों आशीष खन्ना एक महान हस्ती थे। कैसा लगा? कमाल है। समाज उन्हें युगो युगो तक याद रखेगा। आप युगो युगो तक, बहुत ज्यादा हो रहा है। एक मिनट। एक युग कम कर दूं? नहीं चलेगा, चलेगा। आशीष खन्ना अपने जीवन में कई बार जेल भी जा चुके हैं। अबे क्या बक रहे हो, जेल और मैं? आगे तो सुन। जेल मतलब आजादी की लड़ाई में जैसे गांधी जी नेहरू जी गए थे वैसे। उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उस वक्त जो लोग जिंदा थे उनको तूने देखा है? नहीं ना, तो वो थोड़ी आने वाले चेक करने। ढक्कन पकड़। पिछले 7 साल से मैं खुद क्रांतिकारी तात्या टोपे के नाम से रेलवे में फ्री सफर कर रहा हूँ। कुछ टीटी तो अपने पैर भी छूते, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। बिंदास छप जाने दे श्रद्धांजलि को। और अंत में समापन के तौर पे मैंने एक शेर भी लिखा है। दोस्तों आत्मा उड़ गई छोड़कर शरीर पुराना, आत्मा उड़ गई छोड़कर शरीर पुराना, दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना, कुड़ियों को डाले दाना। यू नो रानी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आशीष तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। मैं यार स्टार होके भी नहीं बदला और वो साला इतना बदल गया। यू नो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जैसे सेलिब्रिटी के लाइफ में ये सब होता रहता है। दूसरी लड़की की वजह से पहली छूट जाती है, तीसरी दूसरी को रिप्लेस कर देती है। यू नो ये अफेयर्स, ब्रेकअप्स, लिंकअप्स मेरे जैसे पेज 3 वालों के लाइफ में होते रहते हैं। पर यार तुम लोग तो पेज 13 के कॉमन लोग हो, तुम लोग की लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम सो अपसेट। प्लीज रोहित, तुम्हें क्या लगता है मैं आशीष के बिना जी नहीं पाऊंगी? नो मिस्टर रोहित, हम लड़कियां इमोशनल होती है मगर कमजोर नहीं। मुझे वो हर बात, हर चीज और हर इंसान से दूर रहना जो मुझे आशीष की याद दिलाती है। ओके ओके रानी रिलैक्स, जस्ट स्माइल, मैं हूं ना, डोंट बी ड्रामेटिक। मैं अभी अभी आशीष को फोन करता हूँ। दोस्त है मेरा, दोस्त। तुम देखना मेरे कहने पर वो कैसे माफी मांगता हूँ, तुम्हारे पास वापस आता है। मैं कर रहा हूँ रोहित, प्लीज। हेलो, अरे तेरी। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं आशीष, तेरी आवाज ही बदल गई। अबे अपने कान बदल ले, मैं शायर कानपुरी बोल रहा हूँ। ओह हाँ तो कानपुरी तो कान खोलकर सुन ले, आशीष को फोन दे, बोलना कि मैं यानी कि रोहित बात करना चाहता है। ए इज्जत से बात कर है? अगर आशीष से मिलना है तो चला जा मलेशिया, वो गया है सानिया को लेकर घूमने। ओके हेलो। दीदी ठीक ही कहती है, तकदीर और वक्त के साथ कोई नहीं लड़ सकता, जो होता है होने दो। मेरी एड एजेंसी के बॉस ने मुझे एक इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए सानिया के साथ ही मलेशिया भेज दिया। मैं भी यही चाहता था कि मैं शहर से रानी से कहीं दूर चला जाऊं और रानी मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूलकर किसी और से शादी कर ले बस। लेकिन सानिया मलेशिया में रहती है ये मुझे पहली बार पता चला। गाड़ी क्यों रोकती? आशीष मुझे प्यास लगी है। प्यास? पर अभी यहाँ कोल्ड ड्रिंक कहाँ मिलेगा? तुम हमेशा ठंडी ठंडी बातें क्यों करते हो?
एक्चुअली सानिया एक बात कहनी थी, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। कोशिश तो करके देखो, जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ हो तुम में। शर्मा रहे हो? हाँ, क्योंकि आज तक मैंने किसी को किस भी नहीं किया है। पर मैंने तो किया है। किसिंग इज हार्मलेस। मैं तो पूरे इंडिया को किस करना सिखा सकती हूँ। देखो सानिया, मैं तुम जैसी सीधी सादी लड़की के दिल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। दिल कौन दे रहा है? सानिया तुम समझती क्यों नहीं हो, या शायद मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं खुशबू की तरह हूँ जो एक दिन बिखर जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो। आशीष, आशीष, पियानो बजाना भी जानते हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे भी सिखाओ ना। सानिया, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। मैंने भी तुम्हें मिलने से पहले बहुत सारे अफेयर्स थे मेरे। वो बात नहीं। तो फिर क्या? यही ना कि तुम वर्जिन नहीं हो। इट्स ओके, आई डोंट केयर। सानिया, तुम अफेयर्स, डेटिंग, सेक्स के अलावा और कुछ सोचते हो क्या? सोचती हूँ ना। क्या? यही कि इन सब चीजों के बगैर दुनिया कितनी अजीब सी होती। सानिया प्लीज रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी। गुस्से में कितने क्यूट दिखते हो। तुम्हारी इसी क्यूटनेस से मुझे प्यार हो गया है। आई लव यू आशीष। सानिया, मैं इस तरह तुम्हारे साथ और नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। देखो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी को धोखा दे सकूं। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही सीरियस किस्म के लड़के हो, इसीलिए मैंने भैया से भी बात कर ली है। चीयर्स। भैया? भैया ने मुझसे कहा था कि जब जिंदगी में सच्चा प्यार हो, कोई मिस्टर राइट मिले, तो मुझे उससे जरूर मिलवाना। लेकिन मैं नहीं मिलना चाहता हूँ भाई को। डरो मत, तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि भैया कितने स्वीट है। पर मुझे उनसे नहीं मिलना है, डू यू अंडरस्टैंड? ओके ओके, मत मिलो भैया से। मैं ही गलत थी। आई मेड अ मिस्टेक। जिंदगी में लड़के अक्सर ऐसे मिले जो फैम फैम थैंक यू मैम कहकर लड़कियों के दिलों को तोड़कर गोल हो जाते हैं। पहली बार ऐसा लगा कि तुम ऐसे नहीं हो, इसलिए तुमसे सच्चा प्यार हो गया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी भैया को? I don't want to live. I want to kill myself. क्या कह रही हो तुम? I want to kill myself. पागल मत बनो। सानिया, please. I love you, आशीष। I love you. मुझे छोड़ के कभी मत जाना, प्लीज। भैया। ओए सानिया, फूलों का, तारों का, सबका बोलना, एक हजारों में अब उनकी बहन है। I missed you. क्या बात है, बहुत दुबली हो गई तू। डाइटिंग कर रही हूँ ना। आई की डाइट? ये आइटम कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। फुल एंड फाइन है? ऑलमोस्ट। क्या बात है। अबे ओ होने वाले जीजू, अपने होने वाले साले की तरह पलट। अबे वो कटी पतंग तू? पहचाना क्या अपुन को? अपुन अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। सॉरी भाई, भाई भाई, टाटा। अबे रुक रुक रुक, अबे जीजू रुक। सानिया अपुन को बोली, तेरी चंग ना आएगी उसकी डोली। जी भाई। अबे यार तू घबराता काय को यार, रिलैक्स, अब तो तू फैमिली है यार। चला अब हम तेरे को अपना बिजनेस दिखाता है, अंडरवर्ल्ड का कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अबे कुकरे जा, 3 पेटी भेज दे, वरना तेरी बेटी को पेटी कोट में भेजेगा। अरे सुन, ये अपन के अंडरवर्ल्ड का कॉल सेंटर, बोले तो वसूली डिपार्टमेंट। या मेरे ट्रेन के लड़के 24 घंटे फोन पे लगे रहते, पैसे वाले को धमकाते हुए अलग अलग भाषा में। भाई मुझे बहुत जोर से लगी है, जाऊं क्या? हाँ जाना यार, कब तक रोक के रखे हो? तो जा उधर, सीधे जाओ, लेफ्ट का दरवाजा ना, उधर जा। अबे अबे, क्या हुआ? लाश मार डाला।
अरे मारा नहीं, सिर्फ जमाया। क्यों? उसके साथ धंधा जमा नहीं, इसलिए जमा दिया साले को बर्फ में। अपने को लाइफ में है ना धोखा बिल्कुल पसंद नहीं, चीटिंग कभी नहीं। चला भाई, मेरी बात सुनिए भाई। मालिक, माई बाप, गॉडफादर, सरकार। हाँ बोल भाई। सच तो ये है कि सानिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जहां तक प्यार की बात है, अब बोल। करता हूँ भाई, बहुत प्यार करता हूँ। तो कोई प्रेशर में आके तो नहीं बोल रहा ना? ऐसी बातें कर रहे हैं भाई? सच्चा प्यार कभी प्रेशर में होता है क्या? देख, आप उन्हें है ना अपनी बहन को बहुत प्यार से पाला है, उसके लिए अपन कुछ भी करेगा साला। कसम खा कि उसके साथ कभी चीटिंग नहीं करेगा तो। कसम खा साला, खाने कसम। भैया, भैया क्या कर रहे हो? लीवी मलोन प्यार करता है मुझसे। आपको ये भी पसंद नहीं आया? अरे नहीं रे बहना, अपने को तो ऐसा ही लड़का चाहिए तेरे वास्ते, एकदम कौला चिकना है, संस्कारी। भाई आप बोले तो हम दोनों बात कर सकते हैं प्राइवेट में ना। अरे जाओ 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 जाओ, चलो। अरे वैसा तो अपन बहुत ओपन माइंडेड भाई रे। जा 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 जा। सानिया, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई भाई है। आशीष, हर बहन का भाई भाई होता है। भाई मतलब डन, और वो भी इतना बड़ा। You know something? बचपन से ही हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि कभी पैसे और पावर का शो ऑफ मत करो। Don't worry, वो दिल का बहुत अच्छा है। ये तो हमारी सरकार ही है जो उसे समझ नहीं पाती। लाला मजनू की प्राइवेट बातें खत्म हुई कि नहीं? जी। तो रिश्ता पक्का? शर्मा रहा है। हे अंतोनी अंटेना, हे लकी लोकल, अपनी बहन को सच्चा प्यार हो गया ला रे। आज अपुन के कंपनी में बैंक हॉलिडे, कोई सुपारी नहीं, कोई किडनैपिंग नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई लबाचा नहीं, जस्ट एंजॉय। चला 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 चला।
भाई लोग ये आंख पे पट्टी बांधकर मुझे कहाँ लेके जा रहे हो यार? भाई ने बोला है जब फैमिली में आ ही गए हो तो सबसे पहले आपकी खोपड़ी में अपने धंधे के संस्कार बिठाने का। मतलब? मतलब समझो कि आज से तुम्हारा ट्रेनिंग चालू हो गया है। भाई ने बोला है सबसे पहले आपको कलिंगर काटना सिखाने का। कमाल है यार, भाई को कैसे पता चला कि मुझे कलिंगर काटना नहीं आता? भाई और भगवान को सब पता है। ए चले जीजा, लाइफ नहीं है पिज्जा, चास्ती सवाल नहीं पूछने का, ले पकड़। अरे बाप रे, आप लोग गन से कलिंगर काटते हो क्या? तेरे को गन चलाना सिखा रहा है क्या? अरे जीजू डरने का नहीं, इससे शुरू शुरू में अपने को टेंशन होता है, बाद में पब्लिक को होता है। ये सब क्या कर रहे हो यार? अरे जीजा, तुम मलेशिया के अंडरवर्ल्ड के दामाद हो, लो पकड़ो। अरे पकड़ो ना यार, क्या मस्त ग्रिप है, है ना सेक्सी मॉडल, अभी कैसा लग रहा है? अबे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सत्यनारायण की पूजा में प्रसाद ले रहा हूँ। अबे क्या सवाल पूछ रहा है, कैसा लग रहा है? फटी पड़ी है मेरी। मेरा मतलब दिमाग की नस फटी पड़ी है यार। ऐसा बोलना, चल शुरू करते हैं। लेसन नंबर वन, अपन इसको बोलते हैं घोड़ा, क्या बोलते हैं? देखो भाई, मुझे घोड़ा हाथी गधा कुछ नहीं सीखने हैं, प्लीज लीव मी अलोन। जाता किधर? काय को डरता है, क्यों टेंशन लेता है, सीख लेगा। देखो अपने गांधी जी ने बोले लाए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अरे कुछ तो शर्म करो कमीनो, गांधी जी का नाम लेकर गन चलाना सिखा रहे हो। भाई ने बोला है जब तक गन चलाना नहीं सीखोगे खाना नहीं मिलेगा। अरे फाड़ में क्या खाना, नहीं खाना है मुझे। तेरे को नहीं, हमको नहीं मिलेगा। चल चल चल, थोड़ा कोऑपरेट कर और ट्रिगर को ऑपरेट कर। ठीक है, सिखाओ मुझे। लेकिन कोई भी नई विद्या सीखने से पहले मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करता हूँ। वाह सही जा रहा है बाप, आदमी बोलो तो सिंचार है। और इस धंधे में भी भगवान की हेल्प तो मांगता ही चाहे। पर प्लीज आप लोग भी दो मिनट के लिए आंख बंद करके प्रार्थना करो। ओके शुरू करें? शुरू करें। हे भगवान, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतनी शक्ति दे कि दुश्मन की गैंग को एक झटके में खत्म कर सकूं, कि दुश्मन की गैंग को एक झटके में खत्म कर सकूं। हे भगवान, हे भगवान, मेरा निशाना ऐसा बना दे, मेरा निशाना ऐसा बना दे जैसे अर्जुन का था, जैसे अर्जुन का था, युधिष्ठिर का था, युधिष्ठिर का था। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, बहुत जल्दी सीख ली शूटिंग है? सीख जाऊंगा अन्ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, एकदम नई लाइन है मेरे लिए। नई लाइन तो है साला, पहला खून भी कमाल की चीज होती है यार। पहला खून कभी किया? जब सानिया 7 साल की थी। यानी सानिया ने भी खून किया है? अबे नहीं बे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने पहला खून किया जब सानिया 7 साल की थी। ओह पता है क्या हुआ था? नहीं भाई। सानिया है ना, लॉलीपॉप खा रही थी, साला वो बाजू वाला पप्पू खेलते खेलते उसने लॉलीपॉप छीन ली। सानिया रोई, मुझसे साला देखा नहीं गया, सीधा बनिया की दुकान में गया, 15-20 लॉलीपॉप मैंने ली और उस पप्पू के मुंह में डाल डालकर उसको खत्म कर दिया। लॉलीपॉप के लिए मर्डर? इट्स वेरी अनकॉमन। अरे भाई देखो, कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। लो यहां पे भी आ गया। ओ भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी है? क्या लुक अ गुड, लुक अ बैड, लुक अ नॉट अगली, बात याद रहती है उसे पिछली। क्या कमाल आदमी है यार, खड़ा है, बैठता क्यों नहीं? बैठेगा बैठेगा। अरे ये देखो रॉन्ग साइड से आ रहे। भाई यहाँ कोई शूटिंग हो रही है क्या? हो नहीं रही बेटा, शूटिंग होने वाली है। Guys, ए, क्या हो रहा है रे? तुमको कोई ट्रैफिक सेंस है या नहीं? और तुम लोगों ने भी ये क्या तमाशा लगा रखा है? अबे ओ जीजे, भाई मैं हैंडल कर रहा हूँ भाई। अरे यार तुम लोग ही सारा इंडिया का नाम बर्बाद कर रहे हो। आजा बेटा आजा, ये तेरा काम नहीं है भाई। ये कौन लोग हैं? अरे रिलैक्स, दुश्मन है रे,
लास्ट टाइम मैंने उनके दामाद को ठोक डाला था तो वो बदले में तेरे को ठोकने आया है। अच्छा क्या? अबे लुक हियर, लुका एंग्री। ए चिकने किधर जाता है? भैया जो भी है उन दोनों के बीच है, मैं तो गेस्ट हूँ फ्रॉम मुंबई इंडिया। प्लीज ओके बाय बाय टाटा चाओ खुदाफिस जय हिंद जय महाराष्ट्र। भैया भैया लुका किल दामाद ही अब्बा लुका दामाद बदला लुका बदला अरे जीजे चलिए भाई चलिए लुका गुड लुका बैड लुका बात याद रखता है पिछले लुका बदला दामाद किल बना। जब उनकी जान जाने वाली थी अगर आपके हीरो भाई सामने होते तो थैंक यू भाई। अरे थैंक यू तो अब उनको तेरे को बोलना चाहिए भाई। जिस अन्ना ने दुनिया को गंदगी दी उसी अन्ना को तूने जिंदगी दी। वाह सही आइटम चुना तूने बना। डेयरिंग साले को मौत का खौफ भी नहीं। मैंने कहा था ना मेरा भाई बहुत स्वीट है। ए जीजे क्या भाई एक बहुत इम्पोर्टेंट बात। नहीं, नहीं, कुछ बोलने का नहीं सुनने का। सब कुछ छोड़ के अपने साथ यहाँ सेटल क्यों नहीं होता है यार मलेशिया में? मैं मलेशिया में क्या करूँगा भाई? क्यों मुंबई में क्या करता तू? एड फिल्म बनाता है भाई। बोले तो एडवर्टाइजमेंट इश्तेहार कोका कोला कोल्ड ड्रिंक हीरो होंडा फेयर एंड लवली बहुत क्रिएटिव है। मतलब कि टीवी पे वनडे मैच जब चलता है वो बीच बीच में स्पीड ब्रेकर यही बनाता है क्या? एग्जैक्टली दिमाग की मैपिंग करता है यार तू साला। या सौरभ गांगुली कैच छोड़ता उधर चालू हो जाते चॉकलेट खाओ चॉकलेट खाओ। सचिन तेंदुलकर इधर जीरो पे आउट होता उधर चालू हो जाते ठंडा पियो ठंडा पियो। क्यों ठंडा पियो भाई? मेरी बाप की शादी है क्या? दिल करता है टीवी फोड़ डालूं। भाई आपने प्रॉमिस किया था आप इसे कुछ नहीं कहेंगे। सॉरी यार बेटा तू एक काम क्यों नहीं करता? तेरे तेल साबुन का धंधा छोड़ के तू अपने धंधे में क्यों नहीं आता यार अपने साथ यार अपने वो बन के क्या 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 बोलते उसको क्या बोलते रे वो टीवी सीरियल में महाभारत में बोलते आक्रमण उत्तरा दिखारी भाई सही उत्तरांचल। आज से तू आप उनका बिजनेस में वारिस। ओके भाई एक बात बतानी। नहीं 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 कुछ बताने बताने का नहीं खुश रहने का बस। आज से तेरी किस्मत पलटी आप उन होता है कल्टी। एंजॉय 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 वेलकम टू द फैमिली। कम ऑन आशीष डार्लिंग तुम इतने बुझे बुझे क्यों हो? ये भाई लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। हाय सॉरी डार्लिंग। और अब एक खास समाचार। अभी अभी मिली खबर के अनुसार मुंबई में शूटिंग के दौरान फिल्मी स्टाइल में एक हैंडसम मॉडल ने एक लड़की की जान बचाई। कब तक की टीम ने इस पूरी घटना को लाइव शूट किया? ये कथा घोड़े पे क्या कर रहा है? सूत्रों के अनुसार कार के ब्रेक फेल होने पर रानी भल्ला की गाड़ी को रोहित ने अपने शूटिंग स्थल के पास डगमगाते हुए देखा। रानी मैंने तुम्हें बचा लिया। रानी रानी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रानी रानी
ये बताइए वहाँ पर हालत कैसी है? किसकी? घोड़े की? नहीं, लड़की की। लड़की तो फिलहाल ठीक है, लेकिन घोड़ा काफी नर्वस है। और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन जो हम लोगों ने कैमरे में कवर किया है। लगता है कि इन दोनों की काफी पुरानी फ्रेंडशिप है और हो सकता है जो अब मोहब्बत में बदल जाए। हाउ रोमांटिक। तुम्हें मालूम है ये लड़की इस लड़के को कभी नहीं छोड़ेगी। गर्ल्स लव दिस माचो टाइप्स। आर यू मैड? है क्या इस लड़के में? लाइफ बर्बाद कर देगा इसकी। तुम्हें कैसे मालूम? अरे सानिया सिक्स स्टैंडर्ड से जानता हूँ इसको। क्या? मेरा मतलब सिक्स सेंस है मेरा। ओह। ये बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। अबे ओ जीजे, आज सूखी का दिन है, तू क्या सूखी भोमिल की तरह तड़प रहा है? भाई रानी की बहुत याद आ रही है। कौन रानी? पुरानी पुरानी यादें भाई। वो टीवी पे खंडाला आ रहा था, मुंबई की याद आ गई। मैं मुंबई जाना चाहता हूँ भाई, मुझे जाने दीजिए ना। आई मिस माई मुंबई। अरे यार क्या टॉपिक छेड़ा यार तूने। मुझे भी मुंबई की बहुत याद आती है यार। क्या चीज है मुंबई, आमची मुंबई। वो वड़ा पाव की चटनी, वो माहिम की फिरनी, वो लोकल ट्रेन के धक्के, वो सिग्नल पे छक्के, वो ट्रैफिक, वो कूड़ा, वो कचरा, वो ऑटो टैक्सी का नखरा, वो मच्छी वाली का झगड़ा, वो भेल, वो पानीपुरी, वो रगड़ा, वो वडाला, वो चकाला, वो बैंड्रा, कहीं सकू भाई तो कहीं सैंड्रा, वो आंटी का अड्डा, साला मेन रोड पे ही खड्डा, या जैसा भी है। ओह गॉड, आमची मुंबई तो आमची है यार। मैं मिस करता हूँ अपनी भैया को। यार छोटे, वो मिस्टेक से अपने से दो तीन किलिंग नहीं होता, आज अपुन भी मुंबई में होता। लेकिन मैंने तो कोई किलिंग्स नहीं की ना भाई, आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं ना। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मेरी बहन भी आ रही है अमेरिका से। हाँ यार, तेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन, तेरी बहन। भैया, सॉरी, मिस्टेक हुआ, मिस्टेक हुआ। जाना चाहता ना, जा जा ऐश कर, जा जाना। अबे लेकिन सुन, वापस आने का नहीं तो अपन गवर्नमेंट से भेट के भी ना वहां आके टपकेगा और तेरे को टपकाएगा। क्या जानता ना अपुन कौन है? अपुन अन्ना। 24 घंटे चौकन्ना। बाय। एक्सक्यूज मी सर। साहब मेरे पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे सर, आप भाई के उत्तराधिकारी डिक्लेयर हो चुके हैं, अब आपको कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। लाइए सामान मुझे दीजिए, लाइए प्लीज। आइए। गुड मॉर्निंग मैडम। डार्लिंग, ये गाड़ी मेरे भाई ने तुम्हें गिफ्ट की है, उनके प्यार का प्रूफ। प्रूफ तो ठीक है, बुलेट प्रूफ है ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, लेट्स गो। आशीष वेलकम टू मुंबई। इधर इधर इधर, तुझे पता है रानी हॉस्पिटल में है। क्या? हाँ। कौन सी? क्या, मैं तो एक रानी को जानता हूँ। हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। बॉम्बे हॉस्पिटल, थर्ड फ्लोर, फोर्थ रूम। कौन है बॉम्बे हॉस्पिटल में? ये इसकी भाभी। आई एम सॉरी। और आपके आपके भाई? उसे कैंसर हुआ है। I'm so sorry. आपको भी वेरी सॉरी। मैंने कल टीवी न्यूज में सुना था, पुलिस आपके भाई को समाज का कैंसर समझती है। मेरे भाई को भी कैंसर हुआ है, हम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्लीज रोइए मत, प्लीज हौसला रखिए। रोना मत कानपुरी। सानिया तुम घर जाओ, मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। एक मिनट, आओ गले मिलकर रो ले। प्लीज सब ठीक हो जाएगा। रुकना, मजा आ रहा है। रानी ये सूप मैंने बनाया, मैंने। लो पी लो। नो नॉट रियली रोहित। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं। यू आर सो केयरिंग। ओनली केयरिंग, आई एम नॉट लविंग। ओके बाबा, लविंग आल्सो। आई नो। रानी रानी, ये सब कैसे हो गया? तुम ठीक तो हो ना? I'm perfectly all right, आशीष। तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैंने लाइफ में संभलना सीख लिया है। और ये चोट वो चोट से बहुत कम है जो तुम मुझे पहुंचा कर गए थे। रानी प्लीज ऐसे। Enough, आशीष। हमदर्दी की एक्टिंग करके मेरा दर्द मत बढ़ाओ। Leave me alone. Thank God रोहित मेरे साथ था। आशीष कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अब रानी
मेरे साथ है। मैंने इसकी जान बचाई थी, अब इसे मेरा कार्मिक कनेक्शन समझो या डेस्टिनी। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि तू मलेशिया वापस चला जा, यहाँ रखे मुझे, मेरा मतलब है हमें डिस्टर्ब मत कर। मेरे और रानी के बीच में सब कुछ ऑफिशियल हो चुका है और कल मैं उसे हिल स्टेशन लेके जा रहा हूँ आराम करवाने। सो डोंट वरी, शी इज इन सेफ हैंड्स। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड ट्रिप एंड प्लीज डोंट कम बैक। भुला चुकी हूँ, वो मेरा पास था, तुम मेरे फ्यूचर हो। वो कागज की नाव था, तुम टाइटैनिक हो। वो एक बीमारी था, तुम टॉनिक हो। आज से मैं तुम्हारे साथ वो हर चीज करूंगी जो मैं रोज आशीष के साथ करती थी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ये शादी। किसकी शादी? वो रोहित के साथ मेरी वो, दिस इज नॉट करेक्ट यार। व्हाट, तुम किसी रोहित के साथ शादी कर रहे हो? डाउट तो मुझे पहले से ही होता था कि तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो। जस्ट अ सेक, आर यू गे? क्या तुम वो? अरे नहीं नहीं, पागल तो नहीं हो गया? अरे रोहित नाम का लड़का मेरी फ्रेंड से शादी कर रहा है, उस बेचारी की लाइफ बर्बाद होने वाली। उसकी छोड़ो, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी? किसकी शादी? हमारी और किसकी? क्या, लेकिन तुम्हें तो शादी में भरोसा ही नहीं है। लेकिन मेरे भैया तो भरोसा करते हैं ना। हाँ तो उनको करने दो शादी, आई डोंट माइंड एट ऑल। अरे लेकिन भैया चाहते हैं कि पहले हमारी शादी हो जाए जल्द से जल्द। देखो सानिया, बहुत हो चुका है ये खेल, ध्यान से सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसके दिल में नफरत पैदा करने के लिए मैंने तुमसे प्यार किया। इनफैक्ट तुमसे प्यार का नाटक किया। कुछ समझी तुम? नहीं ना। अब इससे ज्यादा मैं और क्या एक्सप्लेन करूं? आशीष तुम होश में तो हो? तुम जानते हो मेरे भैया को पता चला तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे? क्या करेगा वो, मार डालेगा ना? मैं वैसे मर ही रहा हूं, कैंसर है मुझे, कैंसर। व्हाट? यस सानिया, लास्ट स्टेज पर कभी भी मर सकता हूं। नो, आई डोंट बिलीव यू, यू आर लाइंग। बिलीव मी सानिया, मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। मैं नहीं मानती, यू चीटिंग मी। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ना? मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी बहुत दूर तुमसे। सानिया प्लीज, बहुत दूर चली जाऊंगी सानिया। I don't want to live!
myself. भाई, नींद की सारी गोलियां निकाल दी हैं। अब मैं जाऊं? सानिया बेबी खतरे से बाहर है। सानिया खतरे से बाहर है और तू खतरे के अंदर। भाई, भाई प्लीज, मुझे सचमुच कैंसर है। देख जुजू, मेरे साथ मजाक मत करना। भाई आप चाहे तो मेरे डॉक्टर रुस्तम से भी पूछ सकते हैं। हे अंटना, वो साले डॉक्टर रुस्तम को उठाकर उसी के एम्बुलेंस में डाल कर लिया। या जी भाई, जी भाई। तुम छोकरा लोग मुझे किडनैप करके बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया। तुम लोग क्या समझ रहे हो? तुम लोग का बंदूक का गोली, गोली का खून देख के मैं डर जाएगा? अरे तुम लोग को मालूम नहीं मैंने लाइफ में इतना खून खराबा देखा है? तुम लोग ने मिलके नहीं देखा को? हाँ, क्या देखता है क्या? जब ऑपरेशन के टाइम पेट का था तो खून नहीं निकलता क्या? चल पट्टी निकाल, कमन हरे। माय गॉड, इतने सारे काले कोट वाले गुंडे एक साथ, ये तुम्हारे पास दूसरा कलर नहीं क्या? दैट्स अ गुड कलर। या ओके, आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर नाउ ओनली, ओके? मैं जब भी गुंडा लोग के विजिट पे जाता हूँ ना, मैं डबल फीस चार्ज करता हूँ। यस यस यस। लास्ट टाइम मैं दुबई के डॉन के पास गया था, मैंने पीछे से इंजेक्शन मारा, छोड़ दिया। जब उसने डबल पैसा दिया फिर मैंने निकाला। इज दैट ओके विद यू? अबे ओ डॉक्टर, बस कर। वो लड़की को पहचानता क्या? वो बता दे। ओए मुन्ना थप्पड़ मार, हर हरसा, डोंट टच मी, हु आर यू? जवाब देना। चुपचाप जवाब दिया, सुनाई नहीं दिया? अरे बाबा घरे रहा, चुपचाप रहेगा तो जवाब किधर से निकालेगा? आशीष, अरे अपना आशीष है। बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, लेकिन साले का भेजा अब नॉर्मल। तू इन लोग का गैंग तो ज्वाइन नहीं किया? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए ये डॉक्टर है, तेरा पेशेंट बोलता है उसको टॉप लेवल का कैंसर है। कैंसर है क्या इसको? इसको कैंसर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर? आप इनसे डरिए मत, जो भी है सच सच बताइए। अगर ये लोग लाइफ ले सकते तो आप दे सकते हैं डॉक्टर। सच सच बताइए कि मुझे कैंसर है। अरे इन लोग से कौन डरेगा कभी भी? अरे जब मैं तेरे को बोला कैंसर नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती तेरे पेट में डालू कैंसर? पर आप ही ने तो बोला था। कब बोला था तेरे को? अरे डॉक्टर साहब उस दिन मैं आया था, आप डॉक्टर पटेल से फोन पे बात कर रहे थे। आप भूल गए क्या? अरे 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 गधेरा, तेरे बारे में नहीं, वो रॉबिन सिंह के बारे में बात कर रहा था, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियर, उसको कैंसर है, तू तो नॉर्मल है। अरे यार तू वेमी गधेरा, ये सारा गोली खा खा के तेरा भेजा खराब हो गया है। अब इन लोगों की गोली खा रहा तुम। मतलब जीजू को कैंसर नहीं है। अरे कितनी बार रिपीट कर रहे हो तुम लोग को? अच्छा अबे तू आगे लाओ, यहाँ पर चश्मा ऊपर कर, चश्मा कर जाओ डार्लिंग। ये 24 घंटा चुप करना रहने में कोई फायदा नहीं, एटलीस्ट 6 घंटा तो सोना मांगता है ना, नहीं तो दूसरे को टपकाने के चक्कर में तुम खुद टपक जाएगा डार्लिंग। ये काला चश्मा निकाले तो किधर भम हो जाएगा। मुझे कैंसर नहीं है, मैं बच गया, मैं मर नहीं रहा। ए भाई कहाँ जा रहे तू? हैं? सानिया के पास, उसको भी खुशखबरी देने ना भाई। कौन भी समझता है, जा जा पता किया। हे भाई लोग सुनेगा, अपना जीजू प्राइवेट में रोमांस करने जा रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं करने का, और आज से अपन को भी कोई डिस्टर्ब नहीं करने का। अब 6 घंटा सोने को जा रहा है, आज से अपन अन्ना सिर्फ 18 घंटे चौकन्ना। शादी से पहले, शादी से पहले। अरे आशीष, आशीष, अरे कानपुरी, कानपुरी, तू अभी तक जिंदा है साले, मरेगा कब? अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। अरे खुशखबरी सुन, मुझे कैंसर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, डॉक्टर की बात सुनने में मुझे गलतफहमी हुई थी।
लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? तेरे को मरना तो पड़ेगा। मैं यहाँ पी पी के तेरे गम में अपनी जान गंवा रहा हूँ और तू कह रहा है मरना कैंसिल। अरे तुझे पता है कि मैं इतनी पीने लगा हूँ कि हिंदी में लोग मुझे देवदास और इंग्लिश में बेवड़ास पुकारने लगे। भले तू तो कैंसर से बच गया लेकिन मैं तो लिवर फटने से मर जाऊंगा। नहीं नहीं तुझे मरना पड़ेगा, सॉरी ये चीट। अरे हो तो मर, ये मजाक का वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, अब तू एयरपोर्ट जा। 3:40 की फ्लाइट से देविका दीदी आ रही, 4 बार फोन आ चुका है, जा। ओह माय। अरे तू एक काम कर, हाँ। दीदी को तू रिसीव कर, हाँ। और उन्हें सारी बात बताओ, हाँ। मैं रानी से मिलने जा रहा हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। साला मरेगा कब? ख्वाहिश है रब्बा तू दिल को मेरे सच्चा प्यार दिला दे। हम सच्चे आशिक है बस इतनी ख्वाहिश है रब्बा तू दिल को मेरे सच्चा प्यार दिला दे। अजन चले शाबा शाबा है बस इतनी ख्वाहिश है रब्बा तू दिल को मेरे सच्चा प्यार दिला दे। इश्क तो यारा करता है पागल, इश्क बिना दो एक लम्हा कटता नहीं एक पल। इश्क तो यारा ओ यारा करता है पागल, इश्क बिना दो एक लम्हा कटता नहीं एक पल। जो इश्क ना हो तो बेकार जिंदगानी है, चाहत के दम से ही महबूब हर कहानी है। कोई माने ना माने बात हम दीवानी है, मानी है। हम सच्चे आशिक हैं बस इतनी ख्वाहिश है रब्बा तू दिल को मेरे सच्चा प्यार दिला दे। हम सच्चे आशिक है बस इतनी ख्वाहिश है रब्बा तू दिल को मेरे सच्चा प्यार दिला दे। आजा नचले शावा शावा, आजा नचले जिंद मेरी है। पहले से पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूं तो चला यहां से। साहू जी मेरी बात सुनिए, मुझे कैंसर की गलतफहमी हुई थी इसलिए मैंने रानी को खुद से दूर किया था। ओए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, दुनिया के सामने तमाशा मत कर, निकल जा यहां से। साहू जी अगर आप पूरी बात जान जाओगे तो यकीन करोगे ये मैंने सब कुछ रानी की भलाई के लिए किया था। सब सुन लिया है, सब देख लिया, कुछ नहीं सुनना मुझे। अबे ओ थर्मामीटर, इसकी नहीं अपन की तो सुनेगा ना। अबे ये एकदम सही बोल रहा है,
इस बेचारे को गलत फहमी हो रही थी कि इसे कैंसर है। इट वॉज मिस्टेक। सुना सुना आपने, गवाह है मेरे। ट्रस्ट मी ताऊजी, चाहे तो आप मेरे डॉक्टर रुस्तम से भी पूछ सकते हैं। मैंने रानी के दिल में नफरत पैदा करने के लिए सब नाटक किया था। लेकिन अब इसके नाटक की स्टोरी बहुत मस्त मोड़ ले रही है। अभी आशीष भाई अपुन के अन्ना भाई की बहन सानिया के साथ शादी करने वाला है। जय माता दी। अभी उल्लू के पट्टे, ये क्या कर दिया तूने? ताऊजी प्लीज, आप तू भी यार, आप इसकी बात मत सुनिए। ताऊजी आप सिर्फ इसकी बात सुनिए, ये तो आधा सच है, पूरा सच तो ये कुछ नहीं। सुनना मुझे, व्हाट द हेल, निकल जा यहां से। नहीं जाऊंगा ताऊजी, आप चाहे मुझे गोली मार दो। अबे गोली तो अपन मारेगा तेरे को, भाई ने बुलाया है। रुक यार, अरे जीजा चल रे। धोखेबाज तो था ही, क्रिमिनल भी निकला, गुंडे की बहन से शादी कर रहा है। अपन अन्ना 18 घंटे चौकन्ना। आज अपन तुम लोगों को खुशी का गुड न्यूज दे रहा। अपन अपनी बहन की शादी आशीष के साथ कर रहा। सुनेगा, जब तक अपनी बनाना बनती है प्यारी दुल्हन, तब तक या ना चलेगा चाकू ना चलेगी। भाई, भाई मेरी एक बार तो बात सुनिए ना प्लीज। अरे डार्लिंग डार्लिंग, होता होता शादी के पहले ना आदमी ऐसे ही नवरस होता ही है। भाई हाँ। सानिया बहन। सानिया ए सानिया, कितनी बड़ी हो गई रे तू। भाई सानिया इंडियन ड्रेस में भी क्या सेक्सी लग रही है। भालोक सानिया की शादी में इंटरनेशनल धमाका होगा। या मुंबई में शॉर्टकट में शादी, वहां मलेशिया में लॉन्ग कट में रिसेप्शन। आज से तो अपना बिजनेस पार्टनर। लेकिन यार धंधे में तेरा साला नाम क्या रखना चाहिए? इसका पूरा नाम क्या है? आशीष खन्ना। खन्ना, क्या बात है। अब अन्ना भाई तू खन्ना भाई, आज गिफ्ट में अपन तेरे को अखा गोवा दिया, पूरा गोवा तेरा। अखा गोवा मेरा? हाँ। पर गवर्नमेंट ने गोवा बेचा कब? अरे नहीं रे, वैसे नहीं रे, बोले तो गोवा इलाका आज से तेरा। सेटिंग वेटिंग वसूली वसूली का काम सब तू देखेगा। भाई एक बार मेरी बात तो सुन। क्या बात है बना, क्या लगती है तू जैसे AK-47 के माथे पे RDX का टीका। ए नजर उतारो रे मेरी बहना की। और मैं ये सब रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे मरने के बाद सबको पता चले कि मेरा प्यार गलत नहीं था। रानी को विधवा बनाकर मैं उसकी बची हुई पूरी जिंदगी को खराब नहीं कर सकता था। देखा आप सबने, देखा आपने, आशीष झूठ नहीं बोल रहा था। उसने टेप इसीलिए रिकॉर्ड किया था कि उसके जाने के बाद आप सब समझ जाएं कि वो बुरा नहीं था। उसने किसी को चीट नहीं किया। हम नहीं मानते ये सब। कम ऑन मिस्टर भल्ला, आप जानते हैं आजकल के लड़के किस तरह के होते हैं। आई मीन हर वीकेंड पर एक नया रोमांस, रिश्तों को च्युइंगम की तरह चबाकर फेंक देते हैं। जबकि आशीष जैसा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की भलाई के लिए किस हद तक बेचारा यू नो गिर गया। देखिए देविका जी, जो भी है, इट्स टू लेट नाउ। हरिओं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलम तनयो हरि। पंडित जी, शादी तो मेरी हो रही है, आप क्यों घबराए हुए? आपके ससुराल वाले मुझे उठा के ले आए। मुझे भी। पंडित जी आप शादी आराम से करवाइएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। ये पंडित काय को फालतू का टाइम पास कर रहे ला भाई, चल फटाफट मंत्र मंत्र पढ़ ले। साला शादी चल रहा है या सास बहू का टीवी सीरियल? खत्म ही नहीं हो रहा है। ए जीजू स्माइल, आज से तेरी नई लाइफ में कदम पड़ने वाला है। बोले तो मुस्कुराने का, हंसने का, हल्लू हल्लू चलने का। ओए शीश पुत्र, तू घबरा मत, तेरे को ढूंढते ढूंढते ये मंगल प्रताप भल्ला यहाँ पहुंच ही गया है। ओए व्हाट द हेल, कहानी में फिर ट्विस्ट। भाई मेरे गेस्ट आए, एक मिनट मिलके आता हूँ। पंडित जी यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक। ओए खोते थे पुत्र पहले तूने, फिर तेरी बहन ने तेरे प्यार की स्टोरी सुनाकर हमें रुला दिया, और अब तू सूट पहन कर शादी के मंडप पर बैठा है। ओए मक्कार धोखेबाज, आई डोंट रिस्पेक्ट यू एनीमोर। भाई ये कौन आयला है?
लगता है पंजाब पुलिस वाला है, वो भी बिना वर्दी के। ताऊ जी, ये शादी में एक्चुअली मैं नहीं हूँ। ओए व्हाट द हेल, तू नहीं तो मैं हूँ क्या? नहीं, 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 आप समझे नहीं, ये नॉर्मल शादी नहीं है। ओए नॉर्मल तो तू भी नहीं है यार। अरे रुके ताऊ जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। रुक कर क्या करूँ तेरी शादी में, भांगड़ा करूँ? लो जी भांगड़ा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, मेरी रानी को दुखी रखकर तू भी सुखी नहीं रहेगा। भैया बंद करो, ये हम आपके हैं कौन? आ गया है डॉन। What the hell? Look a good, look a bad, look a not ugly, look a बात याद रखता है पिछली। गोली गोली पे लिखा है दामाद, दामाद का नाम अन्ना, तेरा दामाद गया, look a kill। कोई बंदूक नहीं चलाएगा। देख लुका, तेरे को अब उनके साथ जो कुछ करना कर ले, लेकिन इसको छोड़ दे। नहीं लुका भाई, प्लीज चलाओ गोली, ले लो मेरी जान। ए, शादी के टेंशन में येड़ा हो गया क्या? हाँ पागल हो गया हूँ। मैं दुनिया का पहला ऐसा आदमी जो कैंसर से तो बच गया, लेकिन फिर भी मरना चाहता हूँ। और जीकर करूंगा भी क्या भाई, मेरी इस वहमी आदत ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया है। ताऊ जी यकीन करो मेरा, मैंने सिर्फ रानी को नहीं आप सबको, पूरे परिवार को चाहा था। आप सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, पर मेरी एक गलत फहमी की वजह से आज सारे रिश्ते नाते खत्म होने जा रहे हैं। और तो और सानिया, मैंने तुम्हें भी कितना दुख दिया है। तुमसे झूठ बोला, प्यार का नाटक किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं इसके लायक नहीं हूं। इनफैक्ट मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूं, ना रानी के ना तुम्हारे। मार डालो मुझे लुका भाई, देख क्या रहे, मार डालो मुझे, खत्म कर दो मुझे। ओए वाह पुत्र वाह, आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट यू अगेन यार, आज तो तूने इस पंजाब के शेर का दिल जीत लिया। ओए व्हाट द हेल यार, अब तो मैं तुझे अपना दामाद बनाकर ही रहूंगा यार। ओए बुढ़ा, ओए कौन है? ओए व्हाट दामाद, ये मेरा दामाद है। और ये तेरा नहीं, मेरा दामाद है। अबे हिलते हुए कुतुब मीनार लट से डराता, मेरे पास AK-47 की ताकत है। और मेरे पास 1947 की ताकत है। ये मेरा दामाद है। और ये तेरा नहीं, मेरा दामाद है। ये मेरा दामाद है। मेरा दामाद है। मेरा दामाद है। मेरा है। मेरा। 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 मेरा दामाद है। मेरा दामाद है। मेरा है। मेरा दामाद है। मेरा। मेरा। लुका कंफ्यूज। चुप चुप, तुम लोग जल्दी से डिसाइड करो किसका दामाद है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे और भी मर्डर करने जाना है। लुका भाई ओके, तू मेरी सुनेगा या इसकी सुनेगा? लुका ना तेरी सुनेगा ना इसकी, लुका सुनेगा इसकी। ये बुड्ढा कौन है? ताऊ जी। किसका ताऊ? रानी का। रानी कौन? झांसी की रानी। ये रानी कौन है? अरे रानी वो है जिसे आशीष चाहता है यार। लेकिन आशीष को तो सानिया चाहती है, वैसे जैसे रोहित रानी को चाहता है। अब ये रोहित कौन है? अरे रोहित वो है जो रानी को चाहता है यार। तू क्या चाहता है? मैं तो सबका भला चाहता हूँ यार। अबे कोई कुछ भी चाहे, अन्ना चाहता है कि आशीष की शादी सानिया से ही हो। बात खत्म। तेरी बात खत्म, लुका का काम शुरू। आशीष चलो यहाँ से। कहाँ? आशीष हम दोनों की जान को खतरा है, चलो यहाँ से। जिंदगी भी कैसा मजाक करती है कभी कभी। अब तो मेरे साथ क्या मजाक करने आई हो, बोलो। रोहित, यानी आशीष को जिंदगी मिल गई और मेरी जिंदगी खत्म, ओवर, यही ना? रोहित प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। और समझने में ही तो मार खा गया मैं। जब तुमने कॉलेज में मेरे बदले आशीष को चूज किया, तब मैंने हंसते हुए तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरा कैरेक्टर था मेरा और तुम्हारा कैरेक्टर। बट यू नो व्हाट रानी, मैं ये सब होने नहीं दूंगा। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या हम कहीं बाहर चल के इस बारे में डिसाइड कर सकते हैं प्लीज? सानिया हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अब कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है। मुझे पता है। तो फिर हम जा कहां रहे हैं? शादी करने। रोहित तुम मुझे शहर के बाहर कहाँ लेकर जा रहे हो? पीछे रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठकर बात कर लेते। नहीं रानी, ये तेज हवा के झोंके मुझे बहुत पसंद है। मुझे 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 कहते रहोगे या बताओगे हम जा कहाँ रहे हैं? जानूम में। सानिया मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अब ये गन किस लिए? मैंने तुमसे कहा था ना, when I'm good I'm good, when I'm bad I'm better। सानिया पागल मत बनो। रोहित
with your steering. गाड़ी रोको प्लीज, रोको गाड़ी प्लीज। अब ये गाड़ी नहीं रुकने वाली रानी, तुम्हारा प्यार मेरी सिर्फ मेरी मैटर्स बन चुकी है। अब ये गाड़ी तब रुकेगी जब ये रास्ता खत्म हो जाएगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। रोहित क्या कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? तुम कर क्या रही हो? मैं कितनी बार कह चुका मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये शादी होके रहेगी। रोहित प्लीज स्टॉप, रोहित, रोहित प्लीज, क्या हो गया तुम्हें रोहित? अब ये गाड़ी खाई से गिरकर मौत के दरवाजे पर ही रुकेगी रानी। हम दोनों मरेंगे साथ शादी से पहले। रानी? आशीष। यस सानिया। आई लाइक यू रोहित, यू नो व्हाई? व्हाई? क्योंकि हमारे प्लान के मुताबिक तुमने विलन का रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया। विलन का? अरे नहीं नहीं, विलन का नहीं, हीरो का रोल निभाया मैंने। मैंने हीरो तो मेरे साथ यहाँ बैठा है रोहित, बेचारा बहुत नर्वस हो रहा है। रोहित, हमारे एक मोबाइल फोन ने दो लवर्स को मिला दिया। एग्जैक्टली, कनेक्टिंग पीपल। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे एक्टर निकलोगे। थैंक यू सो मच रोहित। अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि बच गया मैं, वरना पत्नी तो मेरी होती और यादों में उसकी रहती। और दूसरा थैंक यू तुम्हें उस मोबाइल फोन का करना चाहिए। ना वो आशीष के हाथों से गिरता, ना मैं सानिया से बात करता, और ना सानिया मेरी बात को समझती कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। मेरी बात हुँ? ये क्या हुआ सानिया, व्हाट इज दिस? तुमने एक बार मुझसे कहा था ना, डू यू बिलीव इन लव? और मैंने कहा था नो। नाउ आई अंडरस्टैंड लव क्या होता है। यू आर सो अनप्रेडिक्टेबल। आई लव टू बी, दैट्स व्हाट मेक्स लाइफ सो इंटरेस्टिंग। यू आर फनी गर्ल। देखो, अगर तुम 10 सेकंड में इस कार से नीचे नहीं उतरे और अपनी रानी के गले नहीं मिले तो मैं तुम्हें वापस अपने भाई के पास ले जाऊंगी। अपुन अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। थैंक यू सानिया। 3 सेकंड हो चुके हैं। बट आई हैव टू 4 5 6 प्लीज गो, गो नाउ, जाओ। I love you, Rani. I love you, Ashish. I'm sorry, Rani. Love you. Hi, handsome. Hmm? Do you believe in love? No. तो आओ मेरे पीछे. I'm the right girl for you. Okay. एक गेल सप्पा, आशीष, ये शादी से पहले का दी एंड है। शादी के बाद क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। जिंदगी पर जितना शक करोगे जिंदगी तुम्हें उतना ही तंग करेगी। हस्ती खेलती जिंदगी में परेशानियों की वजह हम लोग खुद ही हैं। सब चिंताओं की जड़ हमारा खुद का दिमाग है। इट्स ऑल इन द माइंड दिकरा, इसलिए जियो और मुस्कुरा कर जियो। Oh,
बीट।